कोटा में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। आपको बता दें कि बसंत विहार निवासी एक व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए गए। इसके बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच शुरू कर दी। तो वहीं प्रशासन की ओर से इलाके को सैनिटाइज करवाने का कार्य भी शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा पुलिस ने मुस्तैदी से पूरे इलाके को सील कर दिया, साथ ही संदिग्धों पर भी लगातार नजर अब रखी जा रही है। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद में कोटा में जिस जगह पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है वहां जिला प्रशासन ने सख्ती कर दी है। सामने देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम है जो लगातार सैनिटाइजेशन करने का काम कर रही है और लगातार उन घरों को चिन्हित कर रही है जहां पर सर्वे हो रहा है। साथ में पुलिस कर्मियों के जो जवान है वो यहाँ पर मुस्तैदी से डटे हुए हैं। सारी जो जगह है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। साथ में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है इसके लिए पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो यहाँ के CMHO हैं उस पूरी टीम पर मॉनिटरिंग की जा रही है। गणेश तालाब और बसंत विहार क्षेत्र में इस तरह की स्थिति बनी हुई थी जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव की जो जांच आने के बाद में कहीं ना कहीं एक हड़कंप सा मच गया था, मगर जिला प्रशासन कोटा ने इस बात को पूरी मुस्तैदी से संभाला है और लोगों में एहतियात के तौर पर घरों पर रहने के लिए कहा है। जहाँ पर कुछ दिन से नरमी दिखाई दे रही थी वहाँ आज जिला प्रशासन काफी रूप से सख्त हुआ है और सख्त होने के बाद में लोगों की आवाजाही कम हुई है। कैमरामैन दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज A1 के लिए कोटा से।